दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछला मौलिक अधिकार के संदर्भ में लेक्चर लिया गया था और उसमें हम लोग अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में अध्ययन किया हुआ था। तो मौलिक अधिकार से 14 और 15 को देखने के बाद हम उसी से अगला पार्ट हम आज देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस अनुच्छेद से संबंधित पूर्व में जो भी समय समय पर विवाद उत्पन्न हुए हैं हम उन विवादों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और आप लोगों के अंतर्गत एक बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 14 पर चर्चा करते हैं। पूर्व में भी ये चीज बताया गया है आप लोगों को कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो मौलिक अधिकार विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 16 जो है इसके माध्यम से नियोजन के समय समानता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया है और अनुच्छेद 16 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए अवसर की समानता, किसमें नियोजन में अवसर की समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा, यानी कि नियोजन में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। नियोजन का मतलब नियोजन, यहां पर एक शब्द आता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है कि कोई भर्ती है, उस भर्ती पर जो भी चयन किया जा रहा है उस चयन के लिए सभी लोगों को अवसर समान रूप से प्रदान किया जाएगा। नियोजन का मतलब होता है किसी पद पर भर्ती, नियोजन का मतलब होता है किसी पद पर भर्ती और भर्ती उस पद पर कार्य करने की एक प्रक्रिया के रूप में उसकी भर्ती की जाती है और जिसे नियोजन कहा जाता है। तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें भर्ती के लिए जो चयन के माध्यम से लोगों को भर्ती किया जाएगा उसे नियोजन शब्द से प्रदर्शित किया गया है, निर्देशित किया गया है, बताया गया है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के माध्यम से राज्य को ये बताया गया है, राज्य का ये कर्तव्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया है कि वो नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा, समान अवसर सभी लोगों को प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 16 में कहा गया। इसी में अलग अलग खंड दिए गए हैं कि किस तरीके से भर्ती से संबंधित जो प्रावधान होंगे उसको राज्य के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर सभी लोगों को भर्ती के समय या नियोजन में किसी पद पर कार्य करने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान किया जा सके। तो ये खंड एक है। इसी में खंड दो कहा गया है कि राज्य किसी भी पद पर भर्ती के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ, पूर्व में भी जब हम अनुच्छेद 15 का वर्णन कर रहे थे तो कुछ आधारों की चर्चा हम लोगों ने किया था जिसके आधार पर किसी भी तरीके से असमानता नहीं किया जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर यह बताया जाता है कि भर्ती के समय किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर भेदभाव और वो आधार कौन से हैं, पांच, इन पांचों आधारों पर भेदभाव को निरस्त किया गया है कि मतलब ये नियोजन में सभी को अवसर प्रदान करेगा। दूसरे में उसकी व्याख्या करते हुए और बताने का प्रयास किया गया है कि जो अवसर प्रदान किया जा रहा है उसे इन आधारों, पांचों आधारों पर, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद के खंड 3 के अंतर्गत ये बताया है कि चूंकि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, वहां रहने वाले लोग अलग अलग होते हैं, उनके सामाजिक और शैक्षणिक स्तर अलग अलग होते हैं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा ये प्रावधान किया जा सकता है कि वो किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी भी पद पर भर्ती करने के दौरान, यानी कि जिसके लिए यहां पर नियोजन शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में कि किसी भी पद पर भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वही नियोजन होता है, तो यहां पर यह अधिकार संसद को दिया गया है कि वह किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए भर्ती में वहां पर निवास विषय, वहां पर रहने की अर्हता निर्धारित कर सकता है।
यानी कि निवास विषयक अर्हता, निवास की अर्हता जो है निर्धारित कर सकता है। तो इस तरीके से वहां पर निवास करने की अर्हता लागू हो जाएगी, अर्थात वहां पर रहने वाले या उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर वहां पर कोई फॉर्म आता है किसी परीक्षा के लिए तो वहां पर वो आवेदन कर पाएंगे। इस तरीके का प्रावधान संसद के द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर निवास विषय की इस तरीके की जो है अर्हता लागू की गई है। आंध्र प्रदेश में इस तरीके की जो है व्यवस्था लागू की गई है। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जहां पर निवास विषय की अर्हता निर्धारित की गई है तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को इस तरीके का प्रावधान है कि वह ऐसा कानून बना सकता है जिसके माध्यम से किसी राज्य में किसी भी पद पर चयनित होने के लिए फॉर्म आवेदन किया जाए तो वहां पे निवास की जो है अर्हता लागू होगी, यानी कि क्वालिफिकेशन उसके लिए रखी गई है। तो यहां पर 4, जैसे कहने का मतलब यह है कि भारत में जब हम मौलिक अधिकार की विशेषता चर्चा कर रहे थे तो ये बताया गया था कि भारत में जो मौलिक अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत जो दिया गया है वो सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक का तात्पर्य यह है कि जैसे इसमें समानता की दर्जा दी गई, इसमें कहा गया कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 और 4 इन दोनों आधारों पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको समय और परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, थोड़ा सा समाज के वंचित वर्गों के लिए या समाज में ऐसे वर्ग जो विशेष प्रकार की स्थिति रखते हैं उनके अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि वो सुविधा अनुसार उस पद पर पहुंच सके। यही होता है अधिकारों का सकारात्मक ढंग से उपयोग, इसे ही जो है अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, जिससे समाज के वंचित और समाज में तृणमूल स्तर पर काम करने वाले लोग उस पद पर पहुंच सके जो समाज में एक समतामूलक स्थिति को पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि ओबीसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं में कुछ आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अगर राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो और राज्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अभी तक उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां पर ओबीसी वर्ग के लिए इस तरीके का प्रावधान किया जा सकता है 4 में। और इसी 4 के का में यह एक क्रमिक ढंग से है, वो इस तरीके से बनाया गया है जो कि याद करने में भी आसानी होगी कि 4 में ओबीसी की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से 4 का के अंतर्गत एससी और एसटी इन दोनों वर्गों को भी इसी तरीके की व्यवस्था, सुविधा और प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। 4 का में बताया गया है कि यदि राज्य की सेवाओं में एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 में ओबीसी और 4 का के अंतर्गत एससी और एसटी को इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। इसी 4 खा जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे इन अनुच्छेदों का विस्तार का खा के रूप में जो किया जाता रहा। हालांकि गणितीय रूप में अगर देखा जाए तो ये समस्त प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आप लोगों को बताए गए हैं। अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी वर्ग के लिए कोई भी सीट निर्धारित की गई है और उस वर्ष में या उस भर्ती के माध्यम से उन वर्गों के लोगों का चयन नहीं किया जाता है या किसी कारण से वो लोग चयनित नहीं हो पाते हैं तो उस वर्ग की सीटों को आगामी वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उन्हीं वर्ग के लोगों के द्वारा भरा जाएगा। इसे ही कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड का नियम। यह एक व्यवस्था होती है, अभी हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यहां पर इस बात को पहले समझ लेते हैं कि 4 खा के अंतर्गत यह बताया गया कि अगर किसी भी बस में
किसी भी वर्ग के लिए आवंटित की गई सीटें उस वर्ग के द्वारा नहीं भरी जाती हैं, तो उस वर्ग के लिए जो रिक्त सीटें बचेंगी, जो सीटें बच जाएंगी भर्ती से, उन सीटों को आगामी वर्ष में उन्हीं वर्ग के द्वारा भरा जाएगा। तो ये सीटें वहां पर आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, स्थानांतरित की जाएंगी, और इसी को ही कैरी फॉरवर्ड माने एक जगह से ले जाकर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि इस पर 50% के अनारक्षण या आरक्षण के जो है नियम का पालन या आरक्षण का नियम इस पर लागू नहीं होगा। हालांकि कोर्ट के द्वारा इस बात का जो है बाद में व्याख्या किया गया और उसमें बताया गया कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात को आगामी अपने न्यायिक निर्वचन में, यानी कि आपके अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, अपने न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया कि आरक्षण की व्यवस्था विशेष प्रकार की परिस्थितियों में यदि प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है लोगों का, विभिन्न प्रकार के वर्गों का, तो उनको दिया जा सकता है प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण, लेकिन यह आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति और दशा में वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अनुच्छेद 16 जो है वो स्वतंत्रता को जो है इस रूप में व्याख्यायित करता है कि यहां पर भर्ती यानी कि नियोजन में समानता देने का प्रयास किया गया है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका व्याख्या अलग तरीके से किया गया है, ताकि समाज के वंचित वर्ग, समाज में विशेष स्थिति में रहने वाले लोग, समाज में ग्रास रूट लेवल पर रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान किया जा सके और उन्हें समाज तथा विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, शामिल किया जा सके। तो इस तरीके से अनुच्छेद 16 जो है वो नियोजन या भर्ती के संदर्भ में समानता के सिद्धांत को व्याख्यायित करने के साथ साथ राज्य के लिए एक दायित्व निर्धारित करती है, वो सभी लोगों को उसमें सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिलाने का एक प्रयास करें। तो अनुच्छेद 16 में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई। इसमें हमने ये देखा कैरी फॉरवर्ड कर दी। कैरी फॉरवर्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी वर्ष में किसी भी वर्ग के लिए आवंटित की गई सीटें उसी वर्ग के द्वारा यदि नहीं भरी जाती हैं, तो उनकी बची हुई सीटों को आगामी वर्ष में उन्हीं वर्ग के द्वारा भरे जाने के प्रावधान किए जाते हैं, और इसे ही कैरी फॉरवर्ड का नियम कहा जाता है। इस पर 50% आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया जाता है, या 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है वो उस पर लागू नहीं होती है, यह कैरी फॉरवर्ड का नियम कहलाता है। तो यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत व्यवस्थाएं थी और उसके संदर्भ में जो अलग अलग प्रकार के प्रावधान थे हम लोगों ने उसको देखा और समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से उसकी व्याख्या अलग अलग समय पर कोर्ट के द्वारा, शासन के द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता रहा। अगला अनुच्छेद है 17, अस्पृश्यता के संदर्भ में इसमें बात की गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात इसमें कही गई है कि अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। यह एक संवैधानिक शब्दावली है, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं क्लिष्ट हो जाता है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया जाता है, अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है जो विधि के अनुसार दंडनीय है। यह एक संवैधानिक शब्दावली है तो थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन हमें समय के साथ इन चीजों को सीखने, इन चीजों को अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है, ताकि धीरे धीरे हम अपने आदत में इसे शामिल कर सकें और परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में या किसी भी अन्य स्तरों पर इन शब्दों को, इन अवधारणाओं को शामिल करते हुए अपने उत्तर को हम प्रभावी बना सके। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, उसमें दो बार कानून भी बनाया गया है ताकि इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, तो अस्पृश्यता को यहाँ पे समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, और इसी को जो है नागरिक रक्षा
अधिकार 1976, ये दो अनुच्छेद 17 को व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए संसद के द्वारा ये दो कानून बनाए गए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और नागरिक आरक्षण अधिकार अधिनियम 1976। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि किसी के साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है, उस अपने आप को दूर रखा जाता है, या इस प्रकार की विचारधारा का प्रसार प्रसार किया जाता है जिससे समाज जिक समरसता के भाव का खंडन होता है, वैमनस्यता फैलती है और एक दूसरे के प्रति लोग भेदभाव करते हैं, तो वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा, उसे 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड या दोनों। ये दंड की जो व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है कि यदि कोई की व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह का कारावास, 500 रुपये का दंड या दोनों दिया जा सकता है, ताकि हम अनुच्छेद 17 की मूल भावना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सफल हो सके। तो इस तरीके से अनुच्छेद 17 जो कि हाँ पूर्व में समाज में इस तरीके की प्रचलन था, वो भारत में स्वतंत्रता के समय इसकी मांग की गई समाप्त किया जाए, और संविधान के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे जमीनी स्तर पर समाप्त कर दिया, संविधान इसके बारे में प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद 18 पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद अनुच्छेद 18 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया गया है कि समाज में लोगों को उपाधियां प्रदान अगर कुछ लोगों को किया जाए, कुछ लोगों को न किया जाए और उनके नाम के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो समाज में कुछ विषमताएं प्रतीत होती हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, उसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों को ऊंचा दिखाया जा रहा है। इसलिए पूर्व में जो भी कभी कोई व्यवस्थाएं रही हों उसका अनुच्छेद 18 के माध्यम से अंत करने की जो है व्यवस्था की गई, ताकि समाज में समानता की भावना को स्थापित किया जा सके। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य सेना एवं विद्या संबंधी दो क्षेत्रों की बात की गई है कि सेना एवं विद्या, राज्य सेना एवं विद्या संबंधी क्षेत्रों में सम्मान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब इन दोनों क्षेत्रों में दिया जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जो रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति की क्षमता से संबंधित है। तो इन दोनों क्षेत्रों में इस तरीके की बातें कही गई हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जन्म से या किसी भी वर्ग से या किसी जाति से नहीं प्राप्त कर सकता। यह किसी भी वर्ग, जाति या लिंग का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो, अगर इस फील्ड में अच्छा काम करता है तो उसे यहाँ पर दिया जा सकता है। यह जो है अनुच्छेद 18 की भावना का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन इसी में खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी नागरिक विदेशों से कोई भी नागरिक जो है विदेशों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जब यदि उसे कोई भी उपाधि ग्रहण करना है तो वह पूर्व में राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करेगा, यानी कि राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने की दशा में ही जो कोई भी व्यक्ति विदेशों से कोई भी उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से यहां पर कोई नागरिक जो विदेशों से प्राप्त करना चाहता है, इसी में जो है 3 के अंतर्गत यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों में किसी लाभ या किसी सरकारी विश्वास के पद पर कार्यरत है, यानी कि भारत में कोई नागरिक है जो विदेशों में, जैसे कोई ब्रिटेन में है, कोई चाइना में, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं पर है, तो अगर वो वहां पे किसी सरकारी पद पर कार्य कर रहा है तो भी वो व्यक्ति इस तरीके का कोई सम्मान ग्रहण नहीं करेगा, कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि उसे राष्ट्रपति से इस संदर्भ में पूर्व सहमति और अनुमति प्राप्त नहीं हो जाता है। इसी तरीके से 4 में भी बताया गया है कि यहां बात हो गई है कि विदेशों में किसी पद पर रह रहा हो व्यक्ति, और यहां पर है 4 में कहा गया है कि भारत में किसी लाभ या किसी विश्वास के पद पर रह रहा हो। ये विदेशों में रहने वाले व्यक्ति के लिए है, ये भारत में रहने वाले
ये भारत में कोई भी व्यक्ति जो है किसी लाभ के पद पर है तो भी वो विदेशों से कोई अर्जित नहीं कर सकता है उपाधि जब तक कि वह राष्ट्रपति से पूर्व सहमति प्राप्त नहीं कर लेता है। तो कुल मिलाकर के ये दो तीन और चार इन में विदेशों से किसी भी प्रकार के उपाधि ग्रहण करने पर तब तक रोक लगाई गई है, तब तक मना किया गया है जब तक कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति से इस आशय का पूर्व सहमति, इस आशय की अनुमति नहीं प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत के संदर्भ में व्यापक प्रावधान किया गया है कि इसके माध्यम से भी समाज में समानता की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आपको ये जानकारी होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में समानता के सिद्धांत का वर्णन किया गया, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसमें समानता की बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया है और समानता के इस आयाम को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि उपाधियों का यहाँ पे अंत किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत में कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा, न्यायालयी निर्वचन या न्यायालयी व्याख्या भी किए जाते रहे हैं और इसके अंतर्गत यह है, इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई हैं कि 1954 के अंतर्गत 1954 में पुरस्कार नागरिक सम्मान प्रारंभ किए गए हैं। इसके अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार, तो इस तरीके से ये चार महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार हुए, रत्न है, विभूषण है, भूषण है और श्री, ये चार महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार हैं जो शुरुआती दौर में 1954 ईस्वी में प्रारंभ किए गए थे। लेकिन 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो इसे उन्होंने समाप्त कर दिया। पुनः 1980 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी वापस आई तो पुनः इसने प्रारंभ कर दिया। तो इन्हीं सब बातों की समय समय पर व्याख्या की जाती रही लेकिन बाद में कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारत में ये जो पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं इन पुरस्कारों को देने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं की गई है, बशर्ते कि इस तरीके का पुरस्कार कभी भी जन्म के आधार पर नहीं दिए जाने चाहिए, यह पुरस्कार कर्म के आधार पर दिए जाने चाहिए। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के संदर्भ में बीच में जो भी समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं उसकी एक व्यापक व्यवस्था हुई। हमने इसमें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण के संदर्भ में भी प्रावधानों का चर्चा किया, यहाँ पर आरक्षण के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई उसकी चर्चा की गई है। आरक्षण के संदर्भ में समय समय पर जो भी प्रावधान हुए हैं ये इसके औचित्य अनौचित्य पर हम एक अलग से क्लास में बातचीत करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, कितना औचित्यपूर्ण है, कितना इसका उल्लंघन किया जा रहा है और क्या इसमें बेसिकली वास्तव में होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम समानता के इस टॉपिक को मौलिक अधिकार के अंतर्गत पूरा किए। आप इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य विषयों की बेहतर ढंग से तैयारी जारी रखिए। पुनः एक नए क्लास में इसी टॉपिक के अगले भाग को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।